अस्सलाम वालेकुम। आज हम ढाबा कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं, जिसके लिए हमें लैम का गोश्त चाहिए 2 पौंड, प्याज बारीक कटा हुआ 1 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून, स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक 1 टेबलस्पून के बराबर, हरी मिर्ची 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए, कुकिंग ऑयल 1/2 कप, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 2 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, जिसको हमने लेकर ड्राई रोस्ट करके हल्का हल्का क्रश कर लिया है, कुटी काली मिर्च 1 टीस्पून। पैन हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल डालना है 4 से 5 टेबलस्पून, या 1/2 कप ले लें। साथ ही हमने प्याज डाल देना है। प्याज हमने 1 अदद लिया है और इसको हमने बारीक काट दिया है। प्याज हमारे पास बड़ी है, अगर छोटी प्याज है फिर आप 2 ले लें। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रखना है और प्याज को हमने गोल्डन करना है। प्याज को हमने गोल्डन कर लिया है। अब हमने इसमें लैम का मीट डाल देना है 2 पौंड। मीट डालकर मीट को हमने फ्राई करना है। मीट का कलर हमने चेंज करना है, हल्का सा गोल्डन करना है। मीट को हमने गोल्डन कर लिया है। अब हमने इसमें लहसुन 1 टेबलस्पून, अदरक 1 टेबलस्पून डाल देना है। साथ ही हमने टमाटर डाल देने हैं 4 अदद। टमाटरों का छिलका उतार कर हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब हमने मीट को इतना भूनना है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटरों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और अब हम कुक कर लेते हैं, तब तक जब तक टमाटर जो है ये अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर डालकर हमने अच्छी तरह से पका लिया। टमाटर अब बिल्कुल मेल्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें नमक डाल देना है 1.5 टीस्पून या 2 टेस्ट, जितना भी आप लाइक करें। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, जिसको हमने लेकर ड्राई रोस्ट करके और हल्का हल्का क्रश कर लिया है। मसाले डालकर अब हमने 4-5 मिनट तक मीट को भून लेना है। मीट में मसाले डालकर 5-6 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसका कुकिंग ऑयल थोड़ा अलहदा होने लग गया है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है 1.5 कप। पानी डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमने इस पर ढकना लगा देना है 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि मीट जो है ये गल जाए। और आग को हमने थोड़ा हल्का कर देना है। मीट को हमने 40 मिनट तक पका लिया है। अब मीट हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसमें काली मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून डाल देनी है। और लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून, या पूरा 1 लेमन निचोड़ दें।
अब हमने इसमें अदरक के स्लाइस डाल देने हैं। और हरी मिर्चें डाल देनी है 2 अदद। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर देना है। और आग को हल्का करके दोबारा से हमने ढकना लगा देना है 10 मिनट के लिए। मीट को हमने दम पर लगाना है। मीट को हमने 10 मिनट तक दम पर लगा दिया था। अब मीट हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसमें लेमन रख देना है, या लेमन निचोड़ दें और भी, जितना भी आप लाइक करें खट्टा। अदरक के स्लाइस डाल देने हैं। और हरा धनिया डाल देना है। अब हमारी बहुत ही मज़ेदार ढाबा कढ़ाई गोश्त तैयार है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।